वार्ड क्रमांक 30 लूसन का बगीचा में 10 दिनों से चला आ रहा विवाद थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। रहवासियों का आरोप है कि उनके घरों के पास जो टावर लगाया जा रहा है वह गलत लगाया जा रहा है, जिससे कई बीमारियों का आना शुरू हो जाएगा। वहीं टावर से महज 50 फीट की दूरी पर एक निजी प्राइवेट स्कूल है जिसमें छोटे बच्चे पढ़ते हैं। रहवासियों का कहना है कि प्रशासन को इन सब की जानकारी के होने के बाद भी प्रशासन मौन बना हुआ है। आज एक बार फिर इसी बात की शिकायत देकर रहवासी कैंट थाने पहुंचे, जहां पर उन्होंने अपनी नाराजगी जाहिर की। लीगल परमिशन लेके बना रहे हैं वो गलत हो गए। ठीक है, मान ली आपने वीडियो देखी कितने बजे की है वो सुबह, रात में कौन सा काम हो रहा है इनका ऐसा, और इन्होंने आप अभी जाके मौके पे देख लीजिए। आप डिसाइड करोगे कब नहीं, उन्होंने आप किस अथॉरिटी से काम रुकवाने गए थे? उन्होंने ईंट मारी इस वजह, किस पावर से गए? गुना शहर में टावर लगे हैं क्या, सब जगह बीमारियां आ गई? इसका जवाब दे, सब एक साथ मत बोले, आराम से बोले। पूरे गुना शहर में अगर अगर वो टावर नहीं होंगे तो हम कैसे एक दूसरे से बात कर पाएंगे? और कहाँ लगेगा वो? एक उसकी लोकेशन आती है, सब टावर जो रेंज आती है ना उसकी लोकेशन आती है, वो वहीं लगते हैं। रहवासियों का कहना है कि टावर का निर्माण कार्य रात में चलता है, दिन में कभी नहीं। वहीं कल रात भी जब ये काम चल रहा था तो एक रहवासी के पूछने पर उसके ऊपर पत्थर बरसाए गए, जिसके चलते युवक के हाथ में चोट भी आई है। अपनी शिकायत लेकर मोहल्लेवासी आज कैंट थाने पहुंचे, जहां उन्होंने यह कहा कि यदि उनकी बात नहीं मानी गई और टावर का काम नहीं रुकवाया गया तो वह उग्र आंदोलन करेंगे तथा चक्का जाम भी करेंगे। रहवासियों की नाराजगी देखते हुए कैंट थाना प्रभारी ने पुलिस बल भी भेजा, जिन्होंने समझाइश देने की भी कोशिश की, लेकिन रहवासी किसी भी तरह से मानने को तैयार नहीं। वहीं रहवासियों का आरोप है कि एक तो काम रात में चलता है, वहीं टावर के लगने के बाद बीमारियों भी शुरू हो जाएंगी। रहवासियों ने बताया कि रेडिएशन के चलते यहां पर टावर वह लगवाना नहीं चाहते हैं। तो मार रहा था मैंने, जैसे ही देखा ऊपर मतलब काम चल रहा है टावर का, मैंने बोला भाई साहब जी आप क्या कर रहे हो, मतलब टावर पे तो रोक लगी हुई है, मतलब कहाँ से तहसील से भी लगी है, और नायब तहसीलदार की मैडम आई थी, क्या नाम है उनका? आरती गौतम। उन्होंने भी मतलब वहाँ पे आके खुद बोला है कि इस पे रोक लगी है, और इतने में मतलब मैंने जैसे ही बोला ना कि भाई साहब आप क्या कर रहे हो, मैंने बोला कि मत करो, मतलब उन्होंने पत्थर मारना शुरू कर दी, ईंटा मारने से मेरे हाथ में से चोट लगी, मैंने ऐसे रोका, मेरे सर में मतलब सर में ही पड़ता वो पत्थर मेरा। मोहल्ला वालों को बुलाया, फिर वो गाली गलौज कर रहे, महिलाओं के साथ गाली गलौज की उन्होंने। इसमें कब काम लगाते हैं ये लोग? रात को लगाते हैं, चार बजे, तीन बजे, दो बजे, पुलिस आपके पास आई, पुलिस ने क्या आश्वासन दिया, और पुलिस ने आपके जो महिला है उनके साथ अभद्रता वगैरह? हाँ, उन्होंने पुलिस वालों ने भी मम्मी के साथ और चाची के साथ और मोहल्ला वालों के साथ गाली गलौज की है पुलिस वालों ने। अभी आप कैंट थाने आए, क्या पुलिस का कहना है? कुछ भी कार्रवाई नहीं कर रहा जी, कह रहा है बाहर बैठ जाओ, और मतलब जो टावर लगा रहे दोनों को अंदर बैठा लिया, कोई कार्रवाई नहीं बोल रहा है। टीआई साहब आएंगे वो कर, मतलब जो एफआईआर होगी वो करेंगे, या तो फिर आज होगी भी नहीं क्योंकि शनिवार है। टावर की शिकायत आपने कहाँ कहाँ की है, वो कितनी जगह कर दी है? कलेक्ट्रेट में की है, SDM के साहब की, SP ऑफिस में की है, नगर पालिका में की है। कहाँ पे? कैंट थाने में। थाने में की है। क्या नाम है आपका? विजय कुशवा। इसी बीच कैंट थाना प्रभारी ने भी मध्यस्थता करने की कोशिश की तथा उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि यदि टावर वहां नहीं लगाया गया तो कहां पर लगाया जाएगा। थाना प्रभारी ने बताया कि जो टावर निर्माण कार्य किया जा रहा है उसमें सभी परमिशन ली गई हैं और कोई भी अवैध तरीके से कार्रवाई नहीं की जा रही है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि यदि कोई भी रहवासी चक्का जाम करता है या कोई आंदोलन करता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। आज लूसन के बगीचे के कुछ रहवासी महिला और पुरुष आए थे थाने पर, जिन्होंने सुबह जो वहाँ टावर का काम चल रहा है उसको रुकवाया, और रुकवाने के बाद में वहाँ न्यूसेंस क्रिएट किया और फिर इधर थाने पर आए, तो थाने पर बस एक ही मांग कर रहे हैं कि उसके काम पर रोक लगाया जाए।
जिसमें टावर जो काम कर रहे हैं उन्हें बुलाया गया, उन्होंने बकायदा विधिवत श्रीमान कलेक्टर महोदय की अनुमति ली है टावर लगाने की। तो लीगल तरीके से लग रहा है, इनका बस एक ये कहना है उसमें रेडिएशन निकलेगा, जिसके रेडिएशन के अथेंटिक इन्होंने कोई भी बात नहीं बताई है, किसी की कोई मशीन नहीं है रेडिएशन नापने की। तो बस एक दूसरे का सपोर्ट कर रहे हैं बिना नॉलेज के। सर इसमें ये अभी चक्का जाम करने का भी बोला इन्होंने, अगर कार्रवाई नहीं हुई या रोक नहीं लगाई गई टावर पर तो चक्का जाम करेंगे, इस पर क्या एक्शन लिया जाए? इस पर जो भी अथेंटिक निर्णय है वो श्रीमान कलेक्टर महोदय ही लेंगे, और अगर इन्होंने अगर इस टाइप से न्यूसेंस करने की कोशिश की तो लीगल एक्शन लिया जाएगा। ग्राउंड रिपोर्टर से उमेश राठौर की रिपोर्ट। चिल्ला मैं।